स्टूडेंट्स, तो सर्कुलेशन जो है उसका अगला टॉपिक है बर्ड्स के चैप्टर में। तो हम जानते हैं कि इनका डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, कि हार्ट जो है वो दो डायरेक्शन में दो अलग तरह का ब्लड जो है वो पंप करता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर इसको ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, जबकि इधर राइट साइड से इसको लंग्स की तरफ भेजा जाता है ताकि ये ऑक्सीजनेट हो सके। तो चार चैम्बर्स पर मुश्तमिल आप देख रहे हैं ये सर्कुलेशन है बर्ड्स की। इसके बाद आप देखोगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बर्ड्स का वो बड़ा ही डेवलप्ड है, और बड़े तेज़ी से जो बर्ड्स हैं उनके अंदर खून गर्दिश करता है। माना यह जाता है कि कुछ जो बर्ड्स हैं उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि हार्ट जो है उनका उनकी बॉडी के साइज़ के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है, और हार्ट रेट भी तेज़ी से होता है, तेज़ी से बीट करता है और तेज़ी से खून को गर्दिश करवाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो हमिंग बर्ड है, इसके बारे में देखा गया है कि स्ट्रेस कंडीशंस में इसकी जो हार्ट बीट है वो 1000 बीट्स पर मिनट भी हो जाती है, जबकि ऑस्ट्रिच आप जानते हो फ्लाइटलेस बर्ड है, हालाँकि इसका साइज़ भी बड़ा होता है, तो इसमें 38 से 176 बीट्स पर मिनट पर जो है उसका हार्ट रेट जो है वो देखा गया। बहरहाल बड़ा हार्ट है, हार्ट रेट तेज़ है, और सेपरेशन मुकम्मल तौर पर है हर पार्ट की, सिवाय वेल्व्स के थ्रू जो है वो ब्लड एक एट्रियम से दूसरे वेंट्रिकल की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ आता है, बैक फ्लो जो है उसका रोका जाता है। फिर देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट, यानी कोई मिक्सिंग नहीं होती, कम्प्लीट जो है वो पार्टीशन है। हालाँकि कम्प्लीट पार्टीशन जो है वो आप देखोगे कि आपको मछलियों में, आपको एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में नज़र नहीं आएगी जब हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। मछलियों में वैसे भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी एक ही तरह का खून जो है वो हार्ट से गुजरता है, दो अलग तरह का खून हार्ट से नहीं गुजरता, और उनमें साइनस विनोसिस बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में और फिश में साइनस विनोसिस नाम का जो पोर्शन है हार्ट में वो प्रॉपर बड़ा होता है, जबकि बर्ड्स में ऐसा इतना बड़ा साइनस विनोसिस का पोर्शन जो है वो नहीं देखा गया। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पर आपको बताई हुई है पेस मेकर की, जो कि मैं आपको इंटरनेट से ही तस्वीर दिखाकर समझाना चाहूँगी, क्योंकि हार्ट के अंदर नर्व्स जो है वो इनरवेट नहीं करती, नर्व्स अंदर नहीं जाती, तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको कैसे कहा जाए कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो है, रिलैक्सेशन जो है वो करें जिसकी वजह से पंपिंग पॉसिबल हो। तो बर्ड्स के जो हार्ट है उसमें राइट साइड की तरफ इधर करके राइट एट्रियम के पास, ये देखें यहाँ करके एक छोटा सा पैच होता है, तो उसको पेस मेकर कहते हैं, ये हायर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। तो ये जो है जो जनरेशन करता है, रिदम कॉज करता है मसल्स की, जो कि हार्ट के मसल्स को मैसेज जाता रहता है, तो वो मुसलसल काम करते रहते हैं।